लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। क्या आपको भी बैंक में जरूरी काम है तो इस महीने आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मार्च के महीने में 13 दिन तक बैंकों में काम नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इसे पहले ही करवा लेना सही रहेगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी 11 से 13 मार्च तक 3 बिजनेस डेज। क्या आपको भी बैंक में जरूरी काम है तो इस महीने आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मार्च के महीने में अलग अलग राज्यों में 13 दिन तक बैंक हॉलिडे रहेंगे। ऐसे में जरूरी काम पहले ही निपटा लेना सही रहेगा। हालांकि बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तावित 3 दिवसीय सामूहिक हड़ताल वापस ले ली है। जानिए आपके राज्य में बैंक की छुट्टियां कब कब हैं। मार्च महीने की शुरुआत ही हॉलिडे के साथ हुई। 1 मार्च को रविवार के कारण बैंक बंद थे। इसके अलावा 8, 15, 22 और 29 मार्च को भी रविवार पड़ रहा है, तो इन चारों दिन पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। 14 और 28 मार्च को महीने का दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है, इस कारण इन दो दिन भी बैंक बंद रहेंगे। 5 मार्च को ओडिशा में पंचायती राज दिवस है, जिसके कारण ओडिशा के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 6 मार्च को मिजोरम में चपचर कुट की छुट्टी रहेगी। साथ ही 9 मार्च को यूपी में हजरत अली का बर्थडे, यूपी में भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 10 मार्च को होलिका दहन के कारण बैंक बंद रहेंगे। 23 मार्च को हरियाणा में भगत सिंह शहीदी दिवस के कारण छुट्टी रहेगी। 25 मार्च को नवरात्रि शुरू है, जिसमें महाराष्ट्र, बंगलुरु, चेन्नई, जम्मू, श्रीनगर, पणजी जैसे राज्यों में गुड़ी पाड़वा, तेलुगु नवंबर वर्ष के चलते बैंक में छुट्टी रहेगी। 27 मार्च को रांची में सरहुल के चलते बैंक रहेंगे। 28 मार्च को चौथा शनिवार और 29 मार्च को रविवार होने से बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी को हर 5 साल पर रिवाइज किया जाता है। पिछली बार बैंक कर्मचारियों की सैलरी को 2012 में रिवाइज किया गया था। इसके बाद 2017 में होने वाला रिवीजन पेंडिंग है। इसी को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे थे, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है।